द्युतम पानम स्त्रिय सुना, ये चार जगह है, ये चार जगह राजा परीक्षित कली को प्रदान करते हैं। ये चार जगह कौन से हैं? द्युतम पानम स्त्रिय सुना, आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। द्युतम यानी जुआ, ताश, जहां पर लोग बैठकर के ताश खेलते हैं। जुआ समझते हैं आप लोग? नहीं, नहीं समझते? कौन समझ रहा है हाथ उठा के बता दो। अच्छा, माताएं तो समझते हैं लेकिन बाबा लोग बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, मतलब कि बड़ा गांव में जुआ का कोई खेल होता ही नहीं है। कितने अच्छे हैं, वाह, एक बार बाबा लोगों के लिए ताली तो बजा दो। ताली इसलिए बजाया जा रहा है, ये बड़े अच्छे हैं, बहुत महान हैं। जुआ का अर्थ होता है जो बाहर जाकर के वो खेलते हैं ना ऐसे कर करके, उसे जुआ कहते हैं। और जुआ में जब व्यक्ति धन कमा करके लाता है, आप अगर जुआ खेलते हैं और उस जुआ में जाकर के अपना पैसा लगाते हैं, फिर दूसरों को हरा करके पैसा घर में लाते हैं और वो धन आप अपने घर में रखते हैं, तो आप इस बात को नोट कर लीजिएगा, जुआ का धन आपके मेहनत से कमाए हुए धन को भी साफ कर देता है। कुछ लोग क्या करते हैं, जब जुआ खेल के घर आते हैं ना, तो अपनी पत्नी से कहते, जानती हो आज मैंने उसको हराया, 10,000 कमा के लाया। कभी कभी तो बड़े खुशी से आते हैं कि 1,00,000 कमा के लाया, और धर्म पत्नी भी बड़ी खुश हो जाती है, हमारे पति देव कमा के तो आए। और जब दे दिया, देखो देवी इसको अच्छे से संभाल के रखना, और पत्नी ने उस धन को ले लिया और घर के तिजोरी में रखा, जहाँ पर धर्म द्वारा अपने मेहनत द्वारा कमाए हुए धन रखा है। भले ही आपने मेहनत से 10,00,000 कमाया हो और जुआ से 1,00,000 कमाया हो, उस जुआ के धन इतना खराब होता है, वो 1,00,000 10,00,000 को साफ करने का सामर्थ्य रखता है। इसलिए कभी भी अपने जीवन में जुआ ना खेले, ये आपको बर्बाद कर देगा, आपको नाश कर देगा। दूसरे नंबर में पानम, मदिरा पान करना। जो व्यक्ति मदिरा पान करता है वहां भी कली रहता है। यहाँ राजा परीक्षित ने चार जगह दे दिया, जहां लोग जुआ खेलते वहां तुम रहना, और जहां लोग मदिरा पान करते वहां भी तुम रहना। इसलिए मदिरा पान करने वाले सदैव कली के साथ में ही रहते हैं। कली के प्रभाव से बचना है तो मदिरा पान से बचो। राजा परीक्षित ने बहुत बड़ी कृपा की, कली के लिए कुछ जगह दे दिया। कलियुग में रह कर के भी आप कली के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। स्त्री, जहाँ पर लोग परस्त्री गमन करते वहाँ भी कली रहता है, और जहाँ पर लोग हत्या हिंसा करते हैं वहाँ पर भी कली रहता है। इसलिए चार काम से अगर आप बचोगे तो आप कली के दुष्प्रभाव से आप बचोगे। अगर आप भगवान से जुड़ना चाहते, अगर आप धर्म से जुड़ना चाहते हैं, ये चार काम अपने जीवन में कभी भूल से भी मत करिएगा। अगर ऐसी आदत आपको है, ऐसी आदत आपके पति को है, तो आज ही इस आदत को छुड़वा दीजिएगा। प्यार से बोलो। और जो लोग यहाँ बैठे हैं, जो लोग दूर दूर से मुझे सुन रहे हैं, अगर आप में ऐसी आदत है, तो आज कथा सुनने के बाद ये संकल्प ले लीजिए, चार कार्य से जीवन में हम सदैव बच के रहेंगे, तभी आप भगवान को प्राप्त कर पाओगे, तभी आप धार्मिक हो जाओगे, तभी आप
धर्म से जुड़ जाओगे तभी आप धर्म का रक्षा कर पाओगे। जुआ खेलना नहीं चाहिए, मदिरा पान नहीं करो, परस्त्री गमन और हत्या हिंसा, ये चार काम से हर मनुष्य को जीवन में बच के रहना चाहिए।